हेलो एक्वेरियस, हेलो स्कॉर्पियस, दिस इज योर मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। लेट्स चेक आउट एक्वेरियस की लव एनर्जी क्या रहेगी स्कॉर्पियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। एक्वेरियस की लव एनर्जी क्या रहेगी, तो अनकंडीशनल लव है यहाँ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस भी किया गया है। बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं एक्वेरियस स्कॉर्पियस के लिए। स्टेबल रिलेशन जो है क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ मनी अबंडेंस मिल रही है कुछ एक्वेरियस को, ठीक है, एक स्टेबल रियल रिलेशन जो है क्रिएट करना चाहते हैं और लव की भी कोई कमी नहीं है। एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस की लव एनर्जी क्या रहेगी स्कॉर्पियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। हायर वाइब्रेशन में है, एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं, फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा। हालांकि कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं एक्वेरियस को। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियोस की लव एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। स्कॉर्पियोस हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियोस की लव एनर्जी क्या रहेगी, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अट्रैक्शन है यहाँ पे, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ एक्वेरियस के साथ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम क्या निकलेगा इस रिलेशन का एक्वेरियस और स्कॉर्पियोस का। आई एम नॉट रेडी एट, जस्ट वन कार्ड। फाइनल आउटकम इस कनेक्शन का क्या निकलेगा, जस्ट वन कार्ड। ओके, अनकंडीशनल लव है लेकिन लव यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप दोनों के बीच में होती हुई नजर आ रही हैं जून के मंथ में। तो ये थी, कैसे लगी रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।